जैसे कि हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर एक का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसे हम साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाई टू कर चुके हैं। अब उसी का ही सेकंड पार्ट है जिसका नाम है टेन थीटा इक्वल टू 11। ये हमें वैल्यू दे रखी है और इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने हैं। जैसे कि इसमें हमको पता है कि टेन किसके बराबर है, देखो यहाँ पर हमारा टेन थीटा जो है वो है पी अपॉन बी, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर जो हमारा 11 जो है वह है हमारा परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर पी अपॉन बेस। बेस का मतलब हो जाएगा कि जो बेस में है, आप सभी को पता है कि हर किसी के बेस में वन होता है, तो यहाँ पर पी इतना हो गया, ये हो जाएगा बी। अब जैसे कि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, हमने जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करा तो हमें पता चला कि ये जो परपेंडिकुलर ये जो वाला है ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या है बेस, और ये क्या हमारा हाइपोटेनियस। अब जब हमें पता चल चुका है तो हमारा परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 11, बेस कितना है हमारा 1, हाइपोटेनियस हमें बताना निकाले कितना है। तुमको पता है कि हाइपोटेनियस जो होती है ये सबसे बड़ी साइड होती है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो हाइपोटेनियस जो है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर प्लस बेस इन दोनों की स्क्वायर के योग के बराबर हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि हम वैल्यू पुट करते हैं कि परपेंडिकुलर क्या हमारा 11 का स्क्वायर, बेस कितना है 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पर, 11 का स्क्वायर सभी बच्चों को पता है कि 1 to 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 to 2, और ये वैल्यू आई है हमारी हाइपोटेनियस के स्क्वायर की। लेकिन हमें एच स्क्वायर नहीं, हमें सिर्फ एच चाहिए जो है हमारा हाइपोटेनियस, तो हम यहाँ से एच निकालेंगे। एच निकालने के लिए क्या करना होगा, ये स्क्वायर है दर्जा के किस में हो जाएगा, रूट में 1 to 2, तो यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी आ गई 1 to 2। अब यहाँ पर निकाल देंगे टेन, टेन का उल्टा होता है बेटा कॉट, क्या होता है कॉट थीटा। निकालने की देखो दो तरीके हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ यहाँ पर कि कॉट थीटा या तो कर लो आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, या फिर टेन थीटा का, कॉट थीटा का एक फॉर्मूला और होता है जिसे बोलते हैं 1 अपॉन टेन थीटा से हमारा मतलब क्या है कि जो थीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पर रख देंगे, टेन थीटा की जो वैल्यू सॉरी, तो 1 अपॉन टेन थीटा की वैल्यू क्या है 11 अपॉन 1। अब यही नहीं है तो फिर आपको मैं दोनों तरीके से करके बता दूँगा, पहले से देख लीजिए। तो इसके बेस में 1 होगा, ऊपर की ऊपर बीच वालों की बीच से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 into 1 upon 11 into 1, तो ये हो जाएगा 1 upon 11, ये हो गया हमारी cot theta की वैल्यू। अगर हम इसी क्वेश्चन को पहले की तरह ही करना चाहें, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन हमने करा है कि cot theta हमारे किस किस के बराबर है, कॉट थीटा जो है वो हमारा बराबर है, यहाँ पर देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, किसके बराबर है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, देखिए बेस कितना है 1, परपेंडिकुलर कितना है 11, तो कॉट थीटा की वैल्यू निकली आई 1 upon 11। दिक्कत, नेक्स्ट रेशियो है हमारा जिसे हम लिखते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा आप सभी को पता चल चुका है ये होता है परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 11, और हाइपोटेनियस कितना है, रूट के अंदर 1, 2, 2। इसी के ही अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट निकालते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसे हम लिखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारा, यहाँ से हाइपोटेनियस हमारा निकल के आया है यहाँ से कि हाइपोटेनियस एच कितना है, 1, 2, 2, सॉरी ये रूट में है, ठीक है। तो कितना आएगा, रूट के अंदर 1, 2, 2, और परपेंडिकुलर कितना है, 11। नेक्स्ट रेशियो हमारा सेक थीटा क्या है, सेक थीटा। और सेक थीटा जैसे कि हम जानते हैं, सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्या होगा हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। आप सभी लोग अब तो समझ चुके हो कि यहाँ से हाइपोटेनियस कितना है हमारा, रूट के अंदर 1, 2, 2, और यहाँ पर बेस कितना है, 1। तो यहाँ पर बेस कितना आएगा, 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट के अंदर 1, 2, 2। यहाँ पर कोसेक आएगा, जिसे हम बोलेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा क्या है हमारे यहाँ से, कोसेक निकाल चुके हैं, सिर्फ कॉस थीटा लेंगे हमसे, ठीक है। क्या लेंगे, सिर्फ कॉस थीटा, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या लेंगे हम यहाँ पर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जहाँ से बेस कितना है हमारा, 1, और हाइपोटेनियस कितना है, रूट के अंदर 1, 2, 2। ये हो गए हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस। इसी तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी है जो हमारा हो जाएगा, मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस करके दिखा दिए हैं, आप थर्ड क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर थर्ड क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और आपका थर्ड क्वेश्चन जो है मैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपका थर्ड क्वेश्चन कौन सा है। थर्ड क्वेश्चन आपका है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, क्या है, 13/12। आपको इनके फाइंड द और ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें आपको 5 निकालने, कितने निकालने, 5, एक आपको दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।